नमस्कार दोस्तों, डे 64 आ गया। सीरीज जितने भी वर्किंग एस्पिरेंट उनके लिए स्टार्ट करी थी, आशा करता हूँ वो सारे एस्पिरेंट्स जो जॉब के साथ साथ एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या कॉलेज फुल टाइम ध्यान देते हैं और उसके साथ में एसएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कर्मयोद्धा नाम की एक सीरीज स्टार्ट करी थी। 64th डे आ गया है। 64th डे के टारगेट नोट कर लें। सबसे पहले उठते से आप लोग कैलकुलेशन करते हो, जिसमें आप 15 एडिशन करते हो, 15 मल्टीप्लीकेशन करते हो, स्क्वायर लिखते हो 1 से 60 तक, क्यूब लिखते हो 1 से 30 तक, परसेंटेज ऑफ फ्रैक्शन लिखते हो, पाइथागोरस रूलेट लिखते हो, डब्बैली कैलकुलेशन करते हो, वो कैब 500 से लेकर 550 तक की वो कैब एंटोसिनो इडियम वन वर्ड स्पेलिंग किसी भी प्रीवियस ईयर किताब से करनी है आपको। मैथ्स में रेशियो एंड प्रोपोर्शन का एक लेक्चर आपको देखना है और 50 क्वेश्चन रेशियो एंड प्रोपोर्शन के लगाने हैं आपको। आगे बात करो इसके बाद दोस्तों इंग्लिश में तो रीडिंग कंपलसरी है। एरर सेंटेंस इंप्रूवमेंट फिलअप अगले 20-20 कर लेना, क्लोजर्स कॉम्प्रिहेंशन दो दो कर लेना, पीक्यूआरएस अगले 20 कर लेना, रीजनिंग में 25-25 क्वेश्चन के 2 सेट लगा लेना। इतना करने के बाद वीडियो के नीचे कमेंट करोगे और फोटो कार्ड डालोगे टेलीग्राम पर। मात्र 5 बच्चों ने परसों कमेंट किया था, आप लोग नहीं चाहते, उसमें लिखा भी है 2 बच्चों ने कि भैया आप सही बोलते हो, अंत तक बच्चे कम हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में रही बात ये, तो इंग्लिश में मैं करवा रहा हूँ क्लोस्टर्स कॉम्प्रिहेंशन एरर हो रही है, इनको अच्छे से समझो, इसमें जो गलतियाँ हो रही है उनको अपनी कॉपी में नोट करो। इतना करने के बाद वीडियो के नीचे कमेंट कर देना। थैंक यू, बाय।